नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। जबलपुर में लग्जरी कार से शराब की हो रही थी सप्लाई। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के बरेला पुलिस ने लग्जरी कार से अवैध शराब की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। सर, ये लग्जरी कार में शराब का मामला ये क्या था? सर, कल हम लोग एक वारंटी को पकड़ने जा रहे थे। वारंटी को पकड़ते जाते थे, हमको पहले से ही सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जिसका नंबर 4-1 है, 1-1-1, उसमें दारू की सप्लाई होती है एक जगह से दूसरी जगह। जब हम वारंटी पकड़ने जा रहे थे तो रास्ते में ये इस गाड़ी को हमने देखा जिसमें पूरी तरीके से ब्लैक फिल्म लगी हुई है। हमने इस गाड़ी का नंबर जैसे ही देखा 1-1, तो हमने इसका पीछा किया। हमारा पीछा करते हुए देखने पर ये गाड़ी फिर बहुत स्पीड से भागी और इस गाड़ी ने जाके खेत में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ से इसका चालक निकल के भाग गया, मगर इसका दूसरा साथी हमने पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर हमें पता चला कि इस गाड़ी में शराब मिली है, जो कि 10 लीटर कच्ची शराब और 15 पाव देसी शराब मिली है। तो हम इस गाड़ी को पकड़ के ले आए हैं, इस पर आगे कार्रवाई की जा रही। गाड़ी भी अभी इसके नाम पर स्थानांतरित नहीं हुई है, गाड़ी भी किसी दूसरे के व्यक्ति के नाम पर है। तो उस व्यक्ति से भी कॉन्टेक्ट किया, कागज़ लेके बुलाए गए हैं। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।